बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 आज हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स एंड एक्सप्रेस द फैक्टर्स इन फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। फैक्टराइजेशन भी हमने पढ़ी, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हर नंबर की। उसके बाद जब प्राइम फैक्टराइजेशन का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा उसको इंडेक्स नोटेशन में हमने लिखना है। लास्ट वर्किंग डेज में हमने इंडेक्स नोटेशन को भी स्टडी किया था और उसी के साथ एक्सपेंडेड फॉर्म को भी स्टडी किया था। अब जो है हम इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी सीख ली हुई थी। 256 इवन नंबर है, इवन नंबर का प्राइम फैक्टर 2 बनता है। 2 पे डिवाइड करना शुरू करें कि उस वक्त तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक के रिमाइंडर रिजल्ट हमारे पास 1 तक नहीं आता। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 5 में से 1 रिमाइंडर हुआ 6 के साथ, अगर 2 एट ज़ा 16। फिर हमारे पास रिजल्ट में इवन नंबर आ गया, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर इवन नंबर है 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। 2 वन ज़ा 2, 1 रिमाइंडर हुआ 2 के साथ, अगर 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो 256 की, दैट इज़ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256, 2 into 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 2। इंडेक्स नोटेशन क्या है, ये जो सेम नंबर है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इंडेक्स नोटेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, वैल्यू सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है वो उसकी पावर कहलाती है, या आप उनकी सबकी जो है पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, 2 का एक्सपोनेंट 8 हो गया, 2 की पावर 8 हो गई। क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन की। उसके बाद जो है जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बने उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। सेम इसी तरह 3625, 2 के टेबल में तो ये वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इवन नंबर नहीं है, सिर्फ इवन नंबर को 2 डिवाइड करेगा, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स में आते हैं। ये वैल्यू 3 के टेबल में भी डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इनके डिजिट्स का जब आप सम करते हैं तो वो 3 का मल्टीपल नहीं बनती, 3 के टेबल की वैल्यू नहीं बनती। तो किस टेबल पे डिवाइड होगी, 5 के टेबल पे डिवाइड होगी। कैसे पता चला हमें, मैंने आपको लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें बताया भी था, किसी भी नंबर के आखिर में 0 या 5 आए वो नंबर 5 के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं, 5 6 सा 30, 5 1 सा 5, 1 रिमाइंडर हुआ 2 के साथ, अगर 12, 5 2 सा 10, 2 रिमाइंडर हुआ 5 के साथ, अगर 25, 5 5 सा 25। फिर आखिर में 5 मौजूद है, जब तक 5 या 0 आता रहेगा हम 5 का टेबल यूज करते रहेंगे। 5 1 सा 5, 1 रिमाइंडर हुआ 1 के साथ, अगर 11, 5 2 सा 10, 1 रिमाइंडर हुआ 2 के साथ, अगर 12, 5 2 सा 10, 2 रिमाइंडर हुआ 5 के साथ, अगर 5 5 सा 25। फिर आखिर में 5 ऊपर 5 का टेबल यूज होगा, 5 2 सा 10, 2 रिमाइंडर हुआ 4 के साथ, अगर 22 हो गया, 5 4 सा 20, 2 रिमाइंडर हुआ 5 के साथ, अगर 25, 5 5 सा 25, 5 4 ज़ा 24 रिमाइंडर हुआ 5 के साथ लगा 45, 5 9 ज़ा 45। अब 6 कंपोजिट नंबर है, फिर इवन नंबर के टेबल पे ऑड नंबर कभी नहीं आता, तो उसके बाद हम 7 को चेक करते हैं। ये नंबर 7 के टेबल पे आता है, 7 4 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 3625 लिख दिया। ये तमाम का तमाम वर्क हमने प्रीवियस जो है क्वेश्चंस में किया हुआ, लिहाजा इसमें मजीद कोई जो है ना एक्सप्लेनेशन शायद उसकी जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी की हुई है और इसी तरह इंडेक्स नोटेशन भी हमने बनाई हुई है। 2904 पहले इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, उसके बाद जो है इसमें इंडेक्स नोटेशन भी लिखेंगे। 2 का टेबल यूज होगा, कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए 2 का टेबल यूज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर हुआ 0 के साथ, अगर 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर हुआ 2 के साथ, अगर 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर हुआ 2 के साथ, अगर 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब किस नंबर में चेंज हो गया, ये
प्राइम नंबर में चेंज हो गया, इनके डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं तो 3 के टेबल की वैल्यू बन जाती है, 3 के टेबल की सिस्टम में 3 1 3 3 2 6 3 1 3, अब 121 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के बाद प्राइम नंबर 11 बनता है, 11 11 121 11 11, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2904 की 2 × 2 × 2 × 3 × 11 × 11. पार्ट 4 है हमारे पास 57,967. अब ये जो है पहले तो प्राइम कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर जो है इवन नंबर के टेबल में भी अगर इवन टेबल यूज नहीं होगा, जब इसके नंबर्स का हम सम करते हैं तो ये 3 के टेबल की वैल्यू भी नहीं बनता, 3 का मल्टीपल भी नहीं बनता, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा. 3 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा आता है, 7 आता है. 7 हम देख लेते हैं, 7 भी अगर 261 रिमाइंडर वाला है के साथ वाला 1972 14, 5 रिमाइंडर वाला 6 के साथ लगा 56, 7 8 56, 7 1 7, फिर 7 में टेबल यूज होगा 7 1 7, 1 रिमाइंडर वाला 2 के साथ लगा 7 1 7, 5 रिमाइंडर वाला 8 के साथ लगा 7 8 56, 2 रिमाइंडर वाला 1 के साथ 7 3 20 1 हो जाएगा, 7 1 7, 4 रिमाइंडर वाला 8 के साथ लगा 48, 7 6 42, 6 रिमाइंडर वाला 3 के साथ लगा 63, 7 9 63, 13 13 169 13 1 13. The prime factorization of 557,967 क्या हुआ, 7 × 7 × 7 × 13 × 13, index notation क्या होगी, 7 raised to power 3 × 13 raised to power 2. इसके बाद ये बाकी question है part 5, part 6, part 7, part 8, as a homework है, बिल्कुल इसी तरह करना है, पहले prime factorization करनी है, उसके बाद जो prime factorization का result आ जाएगा उसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखने. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होगी. इंशाल्लाह कल हम जो है एचसीएफ और एलसीएम की जानिब आएंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ किस तरह कैलकुलेट किया जाता है. थैंक यू जी.